connect as a reducing agent. Sulfurous. H2? SO3. SO3. So, let me sum up. H2SO3 can act as a reducing agent. H2SO3 can act as a reducing acid. Sirf ek hi act kar sakta tha, isliye humne backup kar diya. H2SO3 is a reducing acid. अगर H2SO5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा तो बनेगा H2SO4, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन है. -1 से वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन. -1 से वो खुद को क्या बना लेगा? -2. तो यहां जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो सल्फर की वजह से नहीं है, वो ऑक्सीजन की वजह से है. यानी आप कहोगे दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड बिकॉज ऑफ परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज. यहां सल्फर की वजह से कोई ऑक्सीडेशन बिहेवियर या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं हो रहा. ठीक है, याद रहेगा? नीचे मार्क्स याद करो बेटा आपने. अब मैं फिर से ये तो जस्ट रिमेम्बर, आपको अगर थोड़ा सा याद आ जाए, इफ यू रिमेम्बर दैट पार्ट, आपने ऐसी कोई रिएक्शन लिखी थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 में, क्या था? याद करो कहां पे किया था ये, उसमें भी था वैसे. याद है कुछ? हाँ है. याद आया क्या था ना? तो आप बताओ आपने आई नेगेटिव की क्या कराई थी? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया था? S2OH2 नेगेटिव. मार्शल्स एसिड वाला आयन, यानी पर सल्फेट आयन आपने लिखा था ऐसे, इट इज पर सल्फेट आयन. आप बताओ इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया था? फेरस की प्रेजेंट में फेरिक, फेरिक के प्रेजेंस में ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती थी. तो आपने ये किया था डी ब्लॉक में. दिस इज कैटलिस्ट, अ फास्ट रिएक्शन. इन डी ब्लॉक वेन वी हैव डन कैटलिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फेरिक की कैटलिटिक प्रॉपर्टीज यहां पे स्टडी की थी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से. इसका एक मैकेनिज्म बनाया था कि फेरिक रिएक्ट विद आई नेगेटिव, फेरिक से फेरस और आई नेगेटिव से आई टू. हाँ, पर उसमें एक एग्जांपल याद आ गया. अब पर सल्फेट आयन कहीं तो दिखा. इसके अलावा बेटे ये आपने बनाया था, ये वाला एसिड, यू हैव फॉर्म दिस एसिड इन हाइड्रोजन परऑक्साइड चैप टॉपिक, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर हाइड्रोजन में, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसको बनाया था. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव अस H2S2O8 प्लस H2O2. क्या था यार? तो H2S2O8 आपने कब बनाया था? यू हैव प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दैट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यहां तक समझ आ गया? अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट टू गिव अस टू आयंस, टू स्टेप्स आर देयर. Ka1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Ka2. कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? Ka1 एंड Ka2. क्वेश्चन इज Ka1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Ka2. Can you explain the reason? तो आपको पूछ रहे हैं why it is so. कर सकते हो ना? Yes, ma'am. चल, ये टॉपिक भी हुआ. Now we have oxo acids of halogens. Oxo acids का last topic है. Oxo acids of halogen. आप इतना टाइम नहीं लगेगा, अब इनके structures आसान है. Fluorine, chlorine, bromine,
आयोडीन. हेडिंग है हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन्स. ये तो आपको पता है कि क्या पहला वाला पॉइंट बताओ, इसको किया था कहीं सुना हुआ कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है? H2O. एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. आपने कहा फ्लोरीन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बस, फिर एक ही ऑक्सी एसिड. ब्रोमीन और क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब तो बहुत सारे एसिड्स बनाते हैं. इन एसिड्स का नाम IUPAC तो कहता है कि बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हम इनके नाम रखते हैं हेलिक 1, हेलिक 3, हेलिक 5, हेलिक 7. जैसे ये क्लोरिक 1, दिस इज क्लोरिक 3, क्लोरिक 5, क्लोरिक 7. ब्रोमिक 1, ब्रोमिक 5, ब्रोमिक 7. आयोडिक 1, आयोडिक 5, आयोडिक 7. ठीक है, यानी IUPAC तो इनका नाम नॉमेनक्लेचर इजी सा रख रहा है. आप इनमें आपके पास व्हेन वी राइट HClO तो आप इसे क्या कहते हो, यू नेम इट एज हाइपोक्लोरस एसिड. This acid dissociate to give us H positive plus ClO negative. ClO negative का structure बना लो तो आपको resonance में समझ आता था कि ClO negative में कोई resonance नहीं हो सकती. Pi bond ही नहीं है. HClO2 dissociate to give us H positive plus ClO2 negative. This is called chlorous acid. This ion is named as chlorite ion. This is hypochlorite ion. Can you draw the structure of chlorite? Chloric acid, chlorate ion. And last acid आपके पास था perchloric acid. Dissociate to give us perchlorate ion. आपने तीनों आइंस के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, परक्लोरेट, फ्लोराइड और क्लोरेट, तीनों के स्ट्रक्चर्स. और फिर स्टेबिलिटी सोचनी है, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लीस्ट स्टेबल, हाउ यू कैन स्टेबल. ब्रोमीन और आयोडीन बेटा ये वाले एसिड स्टेबल नहीं दे पाते, नॉट एक्सिस्टिंग इन नेचर, नहीं बनते, उनकी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है. थ्री लिख पा रहे हो?
परक्लोरिक एसिड। हाँ जी बेटा, स्ट्रक्चर्स बना लिए। क्या हो गया? अच्छा, कंफर्म भी कर दें। सीएलओ टू नेगेटिव, इट्स गोइंग टू बी टू लोन पेयर्स और एक डबल बॉन्ड। वन ओ नेगेटिव, वन डबल बॉन्ड ओ, रेजोनेंस हो सकती है। वन लोन पेयर, टू डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। एंड यहाँ पे आपके पास है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस बेटा सीएलओ फोर नेगेटिव में हो सकती है। मैक्सिमम रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस है इसलिए मोस्ट स्टेबल। तो आप ये कह सकते हो सीएलओ फोर नेगेटिव सबसे स्टेबल था, देन सीएलओ थ्री नेगेटिव, देन सीएलओ टू नेगेटिव, देन सीएलओ नेगेटिव। और अगर ये स्टेबल बेस है तो स्टेबल क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जितना स्टेबल उतना कम रिएक्टिव, यानी सीएलओ फोर सबसे वीक बेस हुआ। ठीक है, लेस रिएक्टिव बेस इज स्टेबल बेस इज लीस्ट रिएक्टिव बेस मींस वीक बेस। अगर ये बेस वीक है तो फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो आप कहते हो एच सी एल ओ फोर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, रीजन इज सीएलओ फोर नेगेटिव बहुत स्टेबल है। जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है वो एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है जी, तो आपने ये जो एसिडिक करेक्टर लिखा है ये इस कॉन्जुगेट बेस करेक्टर का उल्टा ही होगा। और अगर आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चेंज होता है तो आपको याद रखना है कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, मोर इज द एसिडिक करेक्टर। बस बेटा, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ दीज एसिड, इनमें से याद रखना है एच सी एल ओ इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक करेक्टर का उल्टा। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एच सी एल ओ इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एच सी एल ओ टू, देन एच सी एल ओ थ्री, एंड देन वी हैव एच सी एल ओ फोर। तो एसिडिक करेक्टर का बिल्कुल उल्टा इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन यानी हैलोजन्स। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सो एसिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। वी आर फिनिश्ड विद द टॉपिक, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। ठीक है जी, ओके, पूछ। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। थैंक यू मैम, खाना खाना नहीं।